हेलो एवरीवन, मैं आज आपसे बात करूंगा ईवीएम के द्वारा मतदान कैसे करें। बहुत ही आसान और शॉर्ट में मैंने ये वीडियो बनाया है आपके लिए, ताकि आप इसको आसानी से कर सको। साथियों, चुनाव से एक दिन पहले जब पोलिंग पार्टी रवाना होती है, तब आपको तीन चीज़ें प्राप्त होने वाली हैं। कौन कौन सी मैं बता दूँ आपको, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट मशीन। ठीक है, ये तीनों मशीनें आपको सेलिंग बैग में मिलेगी, जिसको आपको खोलना नहीं है, ना ही इसको ऑन करना है। इनको लेकर आप रवाना हो जाओगे, और दूसरे दिन जिस दिन मतदान है उस दिन आपको क्या करना होता है, चुनाव से 1.5 घंटा पूर्व मॉक पोल की तैयारी करनी होती है। मॉक पोल प्रारंभ होने से पूर्व आपको क्या करना होता है, एजेंट्स वहाँ पर जो भी मौजूद हो उनको उनकी नियुक्ति देनी होती है आपको, और उसके बाद आप मॉक पोल का प्रोसेस प्रारंभ कर सकते हैं। साथियों, मॉक पोल प्रारंभ करने से पूर्व आपको क्या करना होता है, वीवीपैट मशीन को खोलकर एजेंट को दिखानी है कि इसमें कोई भी पहले से पर्ची मौजूद नहीं है, ताकि इसके बाद आपको इसको बंद कर देना होता है। मशीन को जोड़ने के प्रोसेस में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर पैलेट यूनिट, यह हमारे पैलेट है, पैलेट को हमें जोड़ना होता है वीवीपैट मशीन से। इससे जोड़ दिया, इसके बाद इससे जो वायर निकलता है उसको जोड़ना होता है कंट्रोल यूनिट से। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है आपको, ठीक है। इसकी एक ट्रिक है छोटी सी, इससे भी आप याद कर सकते हो कि BVC, ठीक है, सिंपल सी ट्रिक है। इसके बाद इस मशीन में जो पीछे की ओर बटन होता है इसको आपको खड़ा कर देना है। सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँ तो इसको आपको वर्टिकल पोजीशन में कर देना है। इसके बाद आप CU को ऑन करोगे। CU को ऑन करते ही यहाँ पर जो डिस्प्ले है, यहाँ पर चुनाव से संबंधित तमाम प्रकार की जानकारियाँ प्रदर्शित होने वाली है। सभी सूचनाएँ कंप्लीट आने के बाद यहाँ पर EVM इज रेडी आएगा। इसके बाद आप मॉक पोल का प्रोसेस प्रारंभ कर सकते हैं। साथियों, मॉक पोल में आपको एजेंट से वोटिंग करवानी है, अगर एजेंट नहीं हो तो आप स्वयं भी वोट डालने हैं। जितने उम्मीदवार हैं उतने आपको वोट करने होते हैं, यहाँ पर जितने उम्मीदवार हैं उतने वोट आपको डालने हैं। तो सब इस बात का ध्यान रखिए कि सभी उम्मीदवार को सेम वोट मिले, ताकि एजेंट्स के मन में किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। इसके बाद मॉक पोल कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना होता है, तो टोटल बटन दबाकर कुल डालेंगे वोट देखने हैं। टोटल बटन दबाना है, मॉक पोल जैसे ही ख़त्म होता है आपको क्या करना है, टोटल बटन दबाना है और जो भी वोट हुए हैं उनको आपको दिखाने हैं। इसके बाद टोटल बटन दबाने के बाद आपको क्या करना होता है, क्लोज बटन दबाना है। इसके बाद आपको रिजल्ट बटन दबाना है और सभी कैंडिडेट का रिजल्ट दिखाना है। ये नंबर्स आप और एजेंट दोनों नोट कर सकते हो कि किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं। यह सब प्रोसेस करने के बाद वीवीपैट मशीन के ड्रॉप बॉक्स में जो पर्चियाँ हैं उनको निकाल लेनी है, और निकालने के बाद जो CU में जो वोट प्राप्त हुए थे और पर्चियों से उसको मैच करना है। ये करने के बाद मॉक पोल की पर्चियों के पीछे आपको सील लगानी है। मॉक पोल की सील लगाने के बाद काले लिफाफा जो आपको मिलेगा उसमें इसको सील करके प्लास्टिक के बक्से में रख देना है, और इसमें पिंक पेपर की सील लगा देनी है। ये काम सील करने के बाद आप CU को जो अपना कंट्रोल यूनिट है उसको आपको क्लियर बटन दबाकर EVM को ज़ीरो पर सेट करना है। EVM को ज़ीरो पर सेट करने के बाद आप CU को स्विच ऑफ कर देंगे, यानी कि कंट्रोल यूनिट को ऑफ कर देनी है। कंट्रोल यूनिट ऑफ होने के बाद आगे का प्रोसेस आपका होता है कि कंट्रोल यूनिट को हमें सेल करनी है। सेल करने के लिए हमारे पास अलग अलग प्रकार की
सील और टैग मिलेंगे। सबसे पहले हमको मिलेगी हमारी ग्रीन पेपर सील। ग्रीन पेपर सील यहाँ पर लगती है रिजल्ट और प्रिंट बटन के ऊपर, यहाँ पर लगती है ग्रीन पेपर सील, यहाँ पे लगेगी आपको मिलेगी। इस चेयर से आपको लगानी है कुछ इस तरह से, ग्रीन पेपर सील लगती है। ग्रीन पेपर सील लगने के बाद आपको क्या करना होता है, स्पेशल टैग। स्पेशल टैग मैं बता देता हूँ आपको, कुछ इस तरह से होता है स्पेशल टैग। ये आपका क्लोज बटन के ऊपर लगता है, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से क्लोज बटन पर लगाकर इसको सील कर देना है आपको। सील करने के बाद यहाँ पर जो आता है इसका ढक्कन, उसको लगा देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, स्ट्रिप सील लगानी होती है। स्ट्रिप सील ए बी सी डी सील भी बोलते हैं इसको। आपको यहाँ से स्टार्ट करनी है और इस तरह से फोल्ड करते हुए आप इसको इस तरह से लगा देनी है। स्ट्रिप सील लगाने के बाद आपको क्या करना होता है, एड्रेस टैग। एड्रेस टैग यहाँ पर लग जाएंगे। एड्रेस टैग लगने के बाद फिर आपका काम होता है वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को सील करना। ड्रॉप बॉक्स को सील कर दिया, इसके बाद आपको फिर से वही प्रोसेस, कंट्रोल यूनिट को ऑन करेंगे। कंट्रोल यूनिट को ऑन करेंगे इसके बाद वीवीपैट में जो बटन है उसको हम खड़ा कर देंगे और ईवीएम रेडी तक का वेट करेंगे। टोटल बटन दबा कर देखेंगे, उसमें टोटल में 0 होना चाहिए। इसके बाद आप वोटिंग चालू कर देंगे। वोटिंग चालू करने के लिए कंट्रोल यूनिट में आपके पास बैलेट इश्यू करने का बटन होता है, ये रहा, यहाँ से बैलेट इश्यू हो जाएगा। ये टोटल का बटन है, ये बैलेट यूनिट बैलेट इशू करने का, बैलेट इशू यहाँ से होगा और इस तरह से मतदान प्रारंभ हो जाएगा। साथियों, बहुत ही सिंपल सा इजी प्रोसेस है। पूरे वोटिंग के दौरान पीआरओ अपने काम करते रहेंगे, जो भी काम है उसको। उसके बाद जो भी डायरिया रिकॉर्ड है वो आपको मेंटेन करना है साथ साथ में। इसके बाद जब वोटिंग समाप्त हो जाती है, सभी मतदान कर्मी मतदान कर देते हैं, तब आपको क्या करना है, मतदान समाप्ति की घोषणा करनी है पीआरओ के द्वारा। ये होने के बाद मतदान समाप्ति घोषणा पत्र पर एजेंट्स के साइन करवाने होते हैं। एजेंट्स के साइन करने के बाद आप क्या करोगे, क्लोज बटन दबाओगे। यहाँ से क्लोज बटन, ये रहा, क्लोज बटन दबाने के बाद यहाँ पर आपका इस तरह से क्लोजिंग दिखाई देगा। क्लोजिंग के बाद आप ये तमाम प्रकार की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ये सब होने के बाद आपको टोटल कितने वोट गिरे हैं वो भी यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा पोल क्लोज्ड। पोल क्लोज्ड होने के बाद आपको इस मशीन को ऑफ कर देनी है। मशीन को कंट्रोल यूनिट का आपको स्विच ऑफ कर देना है। इसके बाद वीवीपैट मशीन के पीछे काला बटन को आना कर देना है। यह सब करने के बाद सभी केबलों को हटा देनी है। इसके बाद तीनों जो यूनिट है हमारी, बैलेट, कंट्रोल, वीवीपैट, इनको उनके बॉक्स में पैक करने के बाद एड्रेस टैग लगाकर इनको सील कर देना है। इसके बाद पूरी सामग्री लेकर आपकी पोलिंग पार्टी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए रवाना हो जाएगी और वहाँ पर सभी काउंटर वाइज लिफाफे और मशीन आपको जमा करा देने। साथियों, एक छोटा सा प्रयास किया है मैंने आपको ईवीएम से मतदान कराने के प्रोसेस का। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, और इस बारे में अगर और भी आपको जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर मेरे से पूछ सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।